से भी बहुत टाइम हुआ मुलाकात नहीं हुई। कोई नहीं समझ में आ रहा कि इयररिंग गिरी कब, क्योंकि कस्तमा में पानी बरसात लगी थी तो बाहर मतलब चौल में तो आप लोग को पता है कैसे। और मेरे को 20 के देखे नुमेर ये वाली गायब ये देखो उसने बनाया क्या लुकट लगा के। नाराज हूँ मैं माई से। ऐसा बिल्डिंग बन रही है क्या फज्जू? कुछ नहीं यार हो गया ना। हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी परी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। देन चले आज का ब्लॉग शुरू करेंगे। तो हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे आप सब? तो गाइस अभी मम्मी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली जोगेश्वरी को। जोगेश्वरी कुछ काम के लिए माई को तैयार कर दी स्कूल के लिए, सुबह खाना वाना सब बना के रेडी हूँ। नुमेर घर में रहने वाला आज, उसके हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। तो वो हाँ जिम करके तो उसको कुछ लग गया है मार, जिम करके मार नहीं लगा है उसको। अरे कभी डंबल वगैरह गिरा नहीं, वो बोल रहा था वो सो रहा था तो उसको कुछ हड्डी पे उसके दीवार लग गई। वो लिड़ता बहुत है ना, लिड़ता बहुत ज्यादा है ना, तो वो उसको दीवार लग गई हाथ पे, तो उसका कोना दुख रहा। तो उसके आज कॉलेज नहीं गया, वो छुट्टी किया। वो घर में रहने वाला खाना वाना सब मैंने रेडी कर दी बना के, आपके फैयाज भाईजान भी रेडी है। गोभी पत्ते की भाजी बनाई, रोटी बनाई, चावल बनाई और भाजी और रोटी माई को भी पैक करके दे दी। सही है माई। और अभी इसको छोड़ेंगे हम लोग और हम लोग जाएंगे जोगेश्वरी। थोड़ा मेरा कुछ काम वाम है वो भी निपटा लूँ और थोड़ा से फिर अम्मी से भी मिलके आ जाऊंगी वहाँ से जाके। ठीक है, बहुत दिन हो गया अम्मी से नहीं मिले, तो फिर वहाँ से अम्मी से मिलके निकलेंगे। सही है माई, चलो। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए खाना मैंने ना जल्दी उठ गई थी, मैंने बोला ना आपको कि जल्दी उठ के मैंने सब रेडी कर लिया। तो पीली दाल बनाया, भाजी नहीं थी तो मैंने फिर इसी सिंपल सी मैंने दाल बना लिया कि चले दाल ही लोग बहुत शौक से खाते हैं। भाजी भी मेरी रेडी हो गई, बटाटा डाल के मैंने थोड़ी भाजी बना लिया। रोटी भी मैंने रेडी कर लिया कि ना माई नाश्ता भी कर लेगी और साथ में क्या ना वो टिफिन भी लेके चली जाएगी। अच्छा, यहाँ पे माई को मैंने बस नाश्ता करा के उसका टिफिन वगैरह पैक करके उसको स्कूल के लिए तैयार कर दी कि ये निकल जाए, नुमेर छोड़ देगा, नुमेर तो घर में रहेगा और फिर हम लोग निकलेंगे अम्मी के यहाँ पे। तो बस भाजी रोटी है आपके फयाज भाई बोले कि खा लो अभी नाश्ता कर लो, नाश्ता करके निकलेंगे। तो वो साथ में हम लोग एक ही प्लेट में दोनों बैठ गए कि चलो फटाफट से नाश्ता करते निकलते, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर मेरे को रिटर्न भी आना है। और आज मुझे पता है कि आज वैसे भी आपके फयाज भाई की गाड़ी छुट्टी होने वाली है, तो क्या करेंगे अभी ये भी करना पड़ता है। नुमेर कहाँ है? कहाँ है ना? अंदर चले, बिस्मिल्लाह चले निकले भी हम लोग। पानी कितना भरा हुआ यार, कीचड़ देखे बारिश का मौसम, कीचड़ कीचड़। अपने एरिया है ना ये, क्यों ऐसा घूम के आए? स्कूल के बस है ना वो वहाँ पे, बस है कि स्कूल के बस है? कितना अच्छा बनाए देखो ना, डिजाइन कितनी अच्छी लग रही है। चलो आ गए हम लोग जोगेश्वरी। जोगेश्वरी जोगेश्वरी ऐसा बिल्डिंग बन रही है क्या फज्जू? ओहो ये कचरा क्या पेटी बना के रखे। आ गया हमारा जोगेश्वरी, जोगेश्वरी जोगेश्वरी। अच्छा जी चले फिर घर पे मैं पहुंच गई। आप लोग देख रहे हैं कि दस्तरखान भी बिछ रहा है, मतलब खाना अम्मी ने बना दिए थे। मैंने एक्चुअली उनको सुबह में फोन कर दी थी कि मैं आ रही हूँ करके, तो खाना उन्होंने बना के रेडी कर दिया। तो उन्होंने बनाए थे पुलाव बनाए थे उन्होंने, वही जो कुर्बानी का गोश्त आया था ना उसी से उन्होंने पुलाव बना के रखे थे। तो बस पहले गई तो सबसे पहले उन्होंने खाना निकाले कि खाना खा लूँ सुकून से, ऐसे तो नाश्ता करके निकली थी। तो फिर उन्होंने गर्म गर्म बनाए थे तो बोले चलो खाना खा लेते, वो भी नहीं खाए थे। तो साथ में हम लोग ने फिर तीनों ने बैठ के साथ में खाना खा लिया। और बस ऐसी आई थी घर के चक्कर में आई थी, कुछ काम था तो मैंने बोला कि वो भी हो जाएगा साथ में अम्मी के पास। अम्मी से भी बहुत टाइम हुआ मुलाकात नहीं हुई, वे रमज़ान में मैं आई थी ना उसके बाद से फिर मेरा आना ही नहीं हुआ इधर पे। और अम्मी भी नहीं आए, अम्मी पूरी रमज़ान में भी नहीं आए। अम्मी अम्मी को ना उधर ही अच्छा लगता है, हम लोग बोलते ऐसा नहीं कि उनको नहीं बोलते। आप लोग बहुत बार पूछ रहे थे ना बीच में कि शादी में भी नहीं आए अम्मी दिखे नहीं, तो उस वक्त तो ऐसा हुआ था कि ना अम्मी की तबीयत जो थी ना वो मतलब ठीक नहीं थी, नरम गरम थी उनकी तबीयत, तो इसीलिए वो नहीं आए थे। और बाकी अभी फ़िलहाल मेरे घर पर भी नहीं आ रहे क्योंकि ना उनको मैंने बोला ना कि मतलब हम लोग एकदम अंदर अंदर से रहते हैं ना, मतलब बाहर निकलना मौका नहीं मिलता और सीढ़ी का घर है अम्मी, तो पहली बात सीढ़ी चढ़ना उतरना उनके लिए बहुत भारी है। अभी क्या ना नीचे का रूम रहेगा ना तो वो थोड़ा बाहर निकलेंगे, बाजार चले गए, ऐसा घूमते फिरते बच्चों के साथ थोड़ा टहल के आ गए इधर उधर जाके। अभी यहाँ क्या ना ऊपर आते ना तो समझो फिर वो चार दिन रहेंगे पाँच दिन रहेंगे तो ऊपर ही रहेंगे, फिर वो नीचे नहीं उतरते, फिर वो जब जाना होता ना तभी उतरते, तो उनका नीचे होता ही नहीं और सीढ़ी से चढ़ना उतरना उनके पैरों में पैरों से होता नहीं, उनको तकलीफ होती है।
तो अब जो अभी देख रही हूँ ना मैं, वो नीचे का ही रूम देख रही हूँ, ताकि ना अम्मी भी आए ना तो सुकून से एक दो दिन रहे, नीचे का रूम रहेगा तो ज़रा बाहर बैठेंगे अच्छा लगेगा, बाहर की हवा लगेगी, उनको आदत है ना थोड़ा से बाहर, मतलब चौल में तो आप लोगों को पता है कैसा रहता है, आगे में मैं बहुत चीज़ें आप लोगों को बोली तो सुनना। तो अभी इंशाल्लाह मैं नीचे का ही रूम लूंगी, ताकि कोई भी आए ना मेरे घर पे तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से मेरे जो रिश्तेदार हो ना उन लोग को सीढ़ी चढ़ना बहुत भारी पड़ता है, ऊपर जो भी आने को देखते ना तो सीढ़ी चढ़ना बहुत भारी पड़ता है ना, इसीलिए। तो अभी इंशाल्लाह मैं नीचे का रूम लूंगी ताकि अम्मी भी बराबर आए। चलें यहाँ पे से अम्मी से मुलाकात कराती हूँ आपकी। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो देखिए किधर आया, और मेरी हालत देखिए एकदम से थक गई हूँ, सब कुछ इतना सब क्या बोलता है नुमेर फयाज, कितना मेकअप बोलता है, एक डेढ़ किलो का मेकअप मेरी मात रुकती है, सारा कुछ निकल गया। और अम्मी से मिलने आई थी, देखो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत दिन हो गए, आप लोग मैसेज भी कर रहे थे ना, अम्मी के वहाँ नहीं गए, अम्मी के वहाँ नहीं गए। हाँ तो नहीं आना हो रहा था, क्या करूँ, बारिश हो रही है, फिर आप लोग घर का देखते रहते हो क्या, रोज का मेरा क्या चलता है। तो आज कैसे भी हम लोग बोले जाएंगे, थोड़ा सा अम्मी से मिलकर निकलेंगे। और क्या हाल चाल है बोलो मेरी यूट्यूब फैमिली, अम्मी कैसी है, आपकी अम्मी कैसी है? सब ठीक है, बस ठीक है, वो बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है, तबीयत भी ठीक है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआ है, खुश नसीब रखे बस। आप लोग दुआ देते ना, अम्मी भी ठीक है, आप लोग बोलते हैं अम्मी से मिलाओ, बहुत दिन हो गया, हाँ सिमरी चलो जा रही हूँ तो अम्मी से मैं मिला दूंगी, और बहुत सारी आप लोग की दुआएं चाहिए अम्मी के लिए भी। हाँ तबीयत ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, रोजे भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, उसके बाद से मैं आ नहीं पाई रमजान से, अब आई हूँ मैं, बकराईद में भी नहीं आई, आप लोग को मालूम है बारिश की वजह से मैं निकली नहीं गई। तो चले अभी बस अम्मी से मिलाना था, तो मैं बोली चलो अम्मी से मिलाते हुए जाती हूँ, अभी अम्मी को पता नहीं अम्मी कभी आएंगे, उनके मूड के ऊपर डिपेंड है, वो ये एरिया छोड़ेंगे नहीं, बोलते उनकी पूरी मंडली है ना यहाँ पे, आप लोग बोलते ना ये वहाँ क्यों नहीं आते, इनकी पूरी मंडली है, ये मेरे घर पे आने के ना इनको कंटाल आता है, क्योंकि मैं अंदर रहती हूँ तो मेरे को बोलते तेरे वहाँ कंटाल आता है, अंदर ही बैठो बाहर नहीं निकलो। तो यहाँ पे क्या ना थोड़ा घूमते रहते, थोड़ा से बाहर जाते, फ्रेंड सर्कल है, कभी इस्तमा में कभी इधर कभी उधर, उनका टाइम पास हो जाता है। अभी संडे को मैंने कहा कि इस्तमा में पानी बरसात लगी थी तो बुरका उड़ के बैठी हूँ दरवाजे के ऊपर, देखो क्या जाऊंगी अभी निकलूंगी, अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं था, तो उस दिन मेरा संडे का इस्तमा छूट गया। देखिए अब मैं मिलादो में जाती हूँ, यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, मुझे टाइम ही वक्त नहीं मिलता, इसीलिए वो नहीं आते, टाइम पास हो जाता, मालूम नहीं मैं टाइम बिल्कुल नहीं पास, नहीं इसलिए नहीं आते, मैं बोलूंगी मैं मालूम ही नहीं आता। ये बच्चे भी बोलेंगे नानी आओ, तो बोलते बाबा मैं नहीं आ रही, तुम लोग के वहाँ कंटाल आता, बोले अकेले अंदर बैठे रहो, यहाँ पे क्या थोड़ा चौल है ना हम लोग की चौल टाइप है, तो थोड़ा से बाहर जाओ, फ्रेंड है ये है, इनकी पड़ोसी लोग है, इनके बराबर है सब, समझ रहे ना आप लोग, इनके साथ के सब जोड़े, तो उनका टाइम पास हो जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं आते, वरना फिर कोई बात नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी चले फिर अभी अम्मी से मिला ली, अभी यहाँ से निकलती हूँ, बच्चों को छोड़कर आई हूँ, मेरी जाके फटाफट से निकल जाऊंगी, देखती हूँ अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना। चले फिर आप लोगों को घर से भी मिलूंगी बाद में, आपके फैयाज भाईजान देखे हाय वो एक ऊपर बैठा देखो ना कितने अच्छे लग रहे हैं वो बकरे का काके कुर्बानी कर रहे। अच्छा तीन बकरे और ऊपर चार, वो क्या गटर साफ कर रहे लो? हाँ गटर में से निकाल रहे, वो पूरा पानी भर गया बारिश का। देखे खाने का भी उसने बनाया क्या, लोखंड के लगा के? हाँ ये बनाया। अच्छा कितना अच्छा लग रहा है ये अम्मी का, ये अम्मी का घर, यहाँ से ये मेरी अम्मी का घर, ये माला है हम लोग का, यहाँ से दिखाओ ना, यहाँ से दिखा देखो एसी भी लगी हुई ऊपर अम्मी के घर में, एसी भी है काम की, लेकिन काम की नहीं है, नाम की है बस। नहीं गैस भरा है तो चालू होगी, गैस भरा के तो चालू होगी बोल रहे, चले चलो चलते हैं, चलो जाऊ मैं, आराम से रहो और मेरे को फोन करती हूँ, ख्याल रखना अपना। चलो जा रही हूँ अभी, देखो यहाँ का मौसम कितना अच्छा लग रहा है अम्मी, ये देखो अम्मी वहाँ पे बिल्डिंग बन गई, चौल में भी बिल्डिंग बन गई, अम्मी वही दिखा रहे थे कि बिल्डिंग बन गई। 14 साल हो गए कितने? 14। किसको? तुम्हारे को? वो बिल्डिंग को, तो अब भी बनी क्या? अरे मेरे भैया लोग जरा खड़े रह के बात भी करेंगे ना, खड़े रहने देते नहीं, पूरी गाड़ी ला के घुसा देती है। 14 साल में तैयार हुई वो, क्या बात कर रहे हैं चलो चलो मैं ख्याल रखूं, मैं जाके आती हूँ, चलो बाय, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलो जी अल्लाह अल्लाह, चलो चलो जल्दी घर पे पहुंचो, माही आ गई होगी स्कूल से पता नहीं। देखो ये हमारी चौल है, चौल हमारी चौल, ये देखो कचरा पेटी, कचरा पेटी में भी बरकत है फज्जू, कितनी हवा ही, देखो अब मौसम कितना ठंडा ठंडा लग रहा है फज्जू, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो 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 जा रही हूँ घर पे, माही पता नहीं स्कूल से आ गई होगी, नुमेर तो घर में ही ना, नुमेर को छोड़कर आई हूँ, देखेंगे शायद माही आ गई होगी तो लेके आया होगा, तो मैं जहाँ तक तो आ जाएगी हूँ,
खाना तो सब बनाकर ही गई हूँ, बनाकर ही आई हूँ। झाड़ू वाला फैज, झाड़ू वाला दिखेगा क्या? झाड़ू झाड़ू हाँ, अपने यहाँ बहुत महंगी देता है झाड़ू। ये देखो हमारा मार्केट है, ये जोगेश्वरी का, अम्मी इधर ही आते हैं मार्केट लाने के लिए। ये देखें पूरा मार्केट है ये, ठीक है, इधर ही आते हैं अम्मी मार्केट में। देखें ये देखें, और ये रोड कितना, 20 का 3, 20 के 3। चलो चकली वकली है। ये यहाँ क्या बन रहा है फज्जू? ये बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे भी, सब जगह बिल्डिंगें बन रही है अभी, यहाँ सब जगह बिल्डिंगें बन रही है। चलो एक मिनट रुको, ये रस्सी खेलने वाली, हाँ 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 खेलने वाली रस्सी है, क्या है झूला बनने की है, वो लड़की लोग खेलते वो है क्या? हाँ 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 वो वाली है। कैसे पकड़ के खेलेंगे इसको? अरे वो नहीं है बच्चा, क्या झूले की रस्सी है क्या? लटकाने वाली है, झूला है झूला। नहीं वो लड़की लोग खेलते नहीं क्या, वो क्या बोलते फुगड़ी खेलते वो उसमें मिलेगी दूसरे में। अच्छा ठीक है चलो, हाँ ले लो ले लो ले लो। क्या वो छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए? कितना दो बोलो, छन्नी है ना चाहिए, छन्नी देखो। दूसरी नहीं, और ये क्या खरोचने वाली भी है क्या? ऐसा ऊपरा खरोच, अदरक खरोचने की रखता, ये कितने की? हाँ ये ले लो, ये ले लो। कितने का ये बताओ? ये मोटा है क्या वो? हाँ ये मोटा है, तुम लोग काते की दुकान में 5 रुपये दे दो, 10 रुपये अच्छा है। हाँ ले लो ये सब, जो भी सब 10-10 रुपया 10-10 रुपया। हाँ जूकी कम गई बताओ ये, हाँ ले लो। बारिश का टाइम, माई के घर में थोड़ी सी बारिश के वजह से जुए हो गई ना, थोड़ी इसमें करूंगी तो निकल जाएगी। हाँ बस दो ले लो, थैली में है क्या? थैली में डाल के तुम लाए क्या? और कंगई ये कितने की है? कंगई बताओ ये, हाँ सब 10-10 की होगी। मोटी कंगई है क्या? देखो मोटी, हाँ ये बताओ ये, हाँ ये बाल छुड़ाने चिक छुड़ाने क्या वो, ये सही है। कितना हुआ? 50 हुआ है, 50 लो। हमारे ये जोगेश्वरी, ये जो स्टेशन की लाइन है ना, ये यहाँ पे बहुत चीजें सस्ती हर चीज मिलती है। देखो ये भुट्टे कैसे लगाए, ये तो अच्छे भुट्टे दिख रहे हैं। कितने का लगाया भाई? 50 के 5, 50 के 5। तो ये इतने साफ लगाया देखो ना, वो कितने गंदे गंदे लगाया था उसे, 20 के 3 दिया, तो 50 के 5 अच्छे नहीं है क्या? अब तुम ले लिए 3, अभी क्या करेंगे, रख के भी वो ज़्यादा वो हो जाते थे, पहले लेना चाहिए ना तुमको। वही कीवी है, कीवी है, ड्रैगन, वो ड्रैगन नहीं है, आम है, अंगूर है वहाँ पे। चलो ड्रैगन वगैरह नहीं लगाया ना, ओ ये देखे मेट्रो। अच्छा यहाँ मेट्रो, ये मेट्रो के लिए ना, मेट्रो की गाड़ी यहाँ से जाती रहेगी, ये देखे ये देखे। अगर भैया आज ये मेट्रो खुल गया है तो तुम लोग का रिक्शे वालों का क्या होगा फज्जू? मेट्रो से जाएगी पब्लिक, रिक्शे वालों की रिक्शे में कौन जाएगा? हाँ
क्योंकि मेट्रो तो हर जगह अभी खुल गया है। देखे पूरा ऊपर जो दिख रहा है ना, हाँ हम लोग, अच्छा हम लोग स्टेशन के नीचे से जा रहे हैं, स्टेशन सॉरी। ये देखे अब हम लोग बाहर आ गए, अब हम लोग बाहर आ गए है ना भैंस। आ रहा घर पे लतीफ भाई बोल रहे बस। चल नुमेर देखे नुमेर। अच्छा जहाँ नुमेर जिम जाता है ना, ये है लतीफ जिम। इनको मैं मेंशन भी कर दूंगी एज वेल एज मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर डाल देती हूँ। और इनका एड्रेस है एकता मित्र मंडल के बिल्कुल अपोजिट में आपको लतीफ जिम मिल जाएगा। तो चले मेरे भाई मेरी बहन लोग, व्हाट यू वेटिंग फॉर, फटाफट आओ और बॉडी बनाओ, अपने अपनों को फिट रखो। नुमेर तो लगा है अपने आपको फिट रखने में। आप लोग क्यों वेट कर रहे हो, फटाफट से आओ, बॉडी बनाओ, हेल्दी रहो, फिट रहो। नुमेर हंस रहा है, उसको शर्म आ रही है, ये मम्मा ने बोले मेरा, क्या मम्मा की शर्म आ रही है उसको। चलो चलो आराम से। ये हमारे लाइन में ही है जिम, जहाँ पे जाता है ना नुमेर, बस इधर ही रोड पे ही है जिम। बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा, मतलब उन्होंने अच्छा किया उसके लिए ना नुमेर, बहुत अच्छे से गेन कर लिया वेट, वेट अच्छा गेन किया ना उसने इतने टाइम में, एक महीने में। चलो चलो अब गया है घर पे माही, शायद है ना अपनी फ्रेंड को लेके है अंदर। उसने मेरे को फोन की थी, बोली मैं फ्रेंड को बुला के रखी हूँ, तो उसकी फ्रेंड है वो है नुमेर, जिम चला गया। चलो ये देखो माही नहीं छोड़ रही मेरे को, अब मेरे को अंदर भी नहीं घुसने दी, बाहर ही आके लिपट ली। देखो अल्लाह अल्लाह। चलो अंदर चलो, माई जा रही है डांस क्लास, रेडी हो गई है। हाँ और कुछ कांड भी हो गया, बड़ा बहुत बड़ा कांड हो गया अभी। आई अभी मेरे को टेंशन दे दिया, आई के साथ ने मेरे को टेंशन दी है। अभी आपको बताती हूँ मैं क्या करी मैडम ने, जाके आने दे उसको डांस क्लास, जाके आने दे। मैं जा रही हूँ अभी, चाय बनाती हूँ, गरम गरम चाय पीती हूँ, मूड फ्रेश करती हूँ। और ये मैडम ने क्या किया देखो, इशारा कैसा कर रही है, क्या किए, अभी आने दो, आके बताती हूँ। जाकर अभी सॉरी नहीं बोलना, मेरे को नाराज हूँ मैं माही से, मन नहीं कराना मम्मा माही से मैं। चलो ठीक है बाद में बोलती, उसको जाने दो, उसको लेट हो रहा है, जा बाबा जाके आ जाओ, बाय, रहने दो बाद में देखती हूँ मैं। जाओ तुम अभी जाओ, संभाल के जाओ, हाँ बाइक पे लेके जा रहे पापा, जल्दी जाके आओ, बाय अल्लाह हाफिज, बाय अल्लाह हाफिज। बारिश आई, इतनी जोर से आ रही है बारिश अभी। अच्छा हम लोग आ गए ना पज्जू, जल्दी वो कपड़े पूरे निकाल दिए बाहर के जो सूख गए थे, सूखे क्या नहीं सूखे, अभी वो जो एक्स्ट्रा कपड़े सुबह में दो ट्रिप कपड़े धोए उन्होंने, ये बारिश की वजह से ना अभी कपड़े नहीं सूख रहे, बहुत प्रॉब्लम हो गई। देखो कितनी तेज आई बारिश। कुछ नहीं यार, हो गया ना, खाना खा रहे नहीं खाएंगे, जा रही हूँ गर्म करने, मैं गर्म करने जा रही हूँ खाना। बहुत जोर से बारिश आ रही है, बहुत जोर से है, बोली चलो वीडियो को एड करेंगे। और अभी कितना बज रहा है पता आपको, 11 बज रहे, अभी जस्ट वीडियो अपलोड करी, आई अम्मी के वहाँ से आई, पूरा काम करी, चाय बनाई, चाय पिए, थोड़े से बर्तन थे वो धोई, और बस मोबाइल लेके बैठ गई, वीडियो एडिट करी, वीडियो 11 बजे अपलोड करी। मेरी आवाज़ आ रही ना, बारिश की आवाज़ बहुत आ रही है, तो 11 बजे अपलोड करी। कितना मम्मा क्या हो गया, नींद आ रही है, उसको होमवर्क कर रही थी, डांस क्लास से आई होमवर्क करने के लिए बैठी, एक मिनट उठो, रेस्ट नहीं मिल रहा उसको, रेस्ट। बैग भी देखो पीछे ही, अभी होमवर्क करी। अच्छा इसने क्या करी वो रह गया है ना, थंबनेल में आप लोगों ने कुछ देखा, समझ में आया कुछ, सभी समझ में आ गया ना, ये देखो, ये देखो क्या करी माही, क्या करी माही, ये देखो एक इयररिंग इधर है, इयररिंग, और ये वाली गायब, ये देखो। ठीक है मैं आई तो मेरे को बोल रही है,
घर में आई ना उसके बाद में मेरे को बोल रही है मम्मा कुछ बोलने गए, कुछ बोलने गए, कुछ बोलने गए। अब चिल्लाओगे नहीं ना, चिल्लाओगे नहीं ना। इयररिंग घुमा दी, बोलती मैंने घुमाई नहीं, वो पता नहीं कहाँ निकल गई है। फिर ना ये बोल करते करते ही गए उसको, वो एक्चुअली स्कूल से आई ना, ये स्कूल से आने के बाद इसको मालूम पड़ा। स्कूल में इसकी फ्रेंड ने इसको बोली है ना कि कान में से एक तेरा गायब है। बाद में ये अब इसको लग रहा था कि स्कूल में गिरी है, बट अभी ना ये जब बोल के मेरे को डांस क्लास गई ना, तो मैंने ना पूरी वीडियो को छाटी, मॉर्निंग की वीडियो, कल की वीडियो को, मतलब देख रही थी क्या ना किसमें इयररिंग है किसमें नहीं। तो कल की वीडियो में देखी तो इयररिंग नहीं थी, आप लोग कल की वीडियो देखना, उसमें ना एंडिंग हम लोग ने जब एंड किए थे ना वॉइस नोट के बारे में, मेरे को ये ब्लर हो रहा है, कैमरा मेरा ब्लर हो गया था। तो कल की वीडियो आप लोग देखना, उसके अंदर भी उसकी इयररिंग नहीं थी। अभी मैं खुद कंफ्यूज में हूँ कि इयररिंग गिरी कब, मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है ना कान की इयररिंग गिरी कब, क्योंकि कल की वीडियो में भी देखी मैंने नहीं थी। अब मेरे को ना दो तीन दिन की कंटिन्यू मतलब पूरी वीडियो देखना पड़ेगा कि कभी थी और कब आई तो कब नहीं थी। और अभी सुबह में इसके अब्बा बोले मेरे को पूरा, हम लोग है ना ये बाहर करूँ पूरा छाटेंगे, क्योंकि अभी तो हिम्मत ही नहीं है, मैं थक गई हूँ इतना, जाके भी आई थक गई, वीडियो एडिट करके डाली, मेरा चेहरे से आप लोग को मालूम पड़ा हुआ मैं थकान है अभी, बस जाके ऐसा लग रहा है ना खाना भी नहीं खाओ जाके सो जाओ, बहुत थकान हो गई है। तो अभी माई ने काम बढ़ा दिया यार, इयररिंग घूम गई यार। मैं हालांकि उसका पेज टाइट करती रहती हूँ मैं, और पता नहीं यार मैं इतना काम में इतनी मसरूफ हो गई ना कि यार बाल भी बना रही, तो देखो ना मेरी नज़र भी नहीं गई। तो आप लोग सोचोगे कितनी बिजी रहती है कि मैं बड़े 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 बाल बना के आता, तो मेरे कान में भी उसकी नज़र नहीं गई कि इसकी इयररिंग गिर गई है, और मैडम की भी नहीं गई। मैडम भी आईने में पाउडर वाउडर लगाती है, तो मैडम की भी नज़र नहीं गई कि मेरी एक इयररिंग है एक इयररिंग नहीं है। एक ऐसा कर दिया अभी इसने, नुकसान कर दिया है ना, नुकसान कर दी ना। 2 साल की थी जब से इसके कान में है वो इयररिंग, तब से तो गिरा नहीं है, अभी पता नहीं क्या गिर गया। टीचर अभी सबको स्कूल में टीचर बोली थी कोई भी सोने का इयररिंग पहन के मत आना, मैं टीचर को बोली। हाँ तो टीचर बोला कोई भी अभी गर्ल्स कोई भी सोने का रिंग पहन के नहीं आओ, नकली पहन के आ सकते। छोटा सा टब्स डाल के रखे थे कान में, देखो छोटा से, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टब्स, कान नंगे रहते ना उन्होंने डाल के छोड़ दिया था। चलो कोई बात नहीं, बोलते ना जो करता है अल्लाह अच्छे के लिए करता है, कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको दिला देंगे। बाद में मम्मा एडजस्ट करके दूसरा दिला देंगे है ना। अब ये भी निकाल दूंगी ठीक है ना, सुबह निकालती हूँ उसको भी। ये टाइट है, मतलब वो टाइट था यार, वो कैसे निकला लेकिन माही, वो तो टाइट ही था। हाँ अच्छा टाइट ही था वो, ना कोई नहीं, जो भी करता है अल्लाह अच्छे के लिए करता है। पता नहीं सोना घूमना अच्छी बात है क्या बुरी बात है, आप लोग मुझे बताना। कुछ लोग बोलते हैं अच्छा नहीं होता सोना घूमना, कुछ लोग बोलते हैं कि ना सोना घूमना अच्छा होता है, इसके बारे में लेकिन मेरे को कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि ना मैं भी बहुत सोना मैं भी बहुत घुमाती थी छोटी थी, तो ये इयररिंग गिरा दी वो गिरा दी, ये ऊपर कान में पहनती थी ना तो अक्सर गिर जाया करता था, तो मम्मी बहुत चिल्लाती थी मेरे को कि ध्यान नहीं करती है, और अभी यही हुआ है इसने भी गिरा दी। चलो कोई नहीं, एकदम से मैं आई ना मेरे को बताई ना, मेरे को एकदम एकदम से मेरा सर पे मेरा टेंशन हो गया कि मतलब थक के आई हूँ और बोली मम्मा मेरा एक गिर गया, मतलब टेंशन ही हो गया यार। सोना तो आप लोगों को मालूम है कितना महंगा है हो गया अब क्या करेंगे, घूम गया तो घूम गया, अगर मिलने वाला रहेगा तो घर में ढूंढूंगी सुबह, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जाने दो। आप वीडियो एंड करेंगे, नसीब तो नहीं गई, एक टब्स गया ना नसीब नहीं गई, बाद में एडजस्ट करेंगे करके उसको पिना दूंगी दूसरा लाके ठीक है, और छोटा लाऊंगी एकदम बारीक सा लाके पिनाऊंगी ठीक है, एकदम से वो नोज रिंग वाला आता ना एकदम बारीक बारीक माही, नहीं वो वाला डाल दूंगी कान में, सर्कल वाला आता है ना जो ऐसे डाल देते, नहीं वो अटक के ना कभी कभी ना कान में से लग जाता है, इसके लिए मैंने तो वो टप्स वाला डाली थी। अभी क्या करूंगी वो नोज रिंग में एकदम बारीक बारीक आता है ना वो डाल दूंगी, ताकि कान के खड्डे नहीं बुझे ना, नागभग में नहीं, नागभग में नहीं बिना, चलो आपके फैयाज भाईजान देखे मैं आपको दिखाती हूँ, एक लग एक जगह का। ओ फज्जू पलट मेरी जान तेरे कुर्बान, ये तेरा ध्यान किधर है, अरे मेरे क्या बोलते माई पापा को, फज्जू फज्जू यहाँ तो पलटो, तेरे पापा के मुंह में कुछ एक जरा चेक करके, इधर देखो राज की बात कह दो तो जान मुश्किल में पड़ जाए। क्या खा रहे, कुछ खा रहे क्या,
बारिश का मौसम इंजॉय कर रहे आपके फैयाज भाईजान, बारिश के मजे ले रहे देखो, है ना, बारिश की आवाज आ रही है बूंदों की। हाँ, नहाने दिल नहीं हो रहा? नहाने तो दे रहा हूँ, मगर तबीयत खराब हो रही है। सही है, सही। चलो यहाँ एंड करेंगे आपके फैयाज भाईजान के साथ में। बारिश के मजे ले रहे, खूब मजे ले रहे बारिश के। ठंडी लग रही है यार घर में, ठंड हो गया, ठंडा हो गया घर। चलो ठीक है, बस ये था आज का ब्लॉग। जा रही हूँ, खाना गर्म करूंगी, खाऊंगी, दिल हुआ तो खाऊंगी वरना सो जाऊंगी। कैसा लगा आज का ब्लॉग आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड अम्मी से मिलाया, कमेंट करना, अम्मी को बहुत सारी दुआ देना, दुआओं में याद रखना अपनी, अम्मी भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। ठीक है, चले फिर। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और बेल आइटम बजाना। अरे इससे अच्छा यार मैं ये बोलता हूँ, घंटी बटन दबाना ना भूलिए, घंटा बटन दबाना ना भूले, ताकि जितनी भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितनी भी वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ढिंचक माई को भी लाइक, हाँ इंस्टाग्राम पे ढिंचक माई उसको फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे मेरी भी आईडी को फॉलो कर लेना। थोड़ा सा भी वक्त अगर मिल जाए तो मेरे भी फॉलो कर ले। क्या तुम्हारी आईडी? बाकी सभी से बाले नहीं, बाकी सभी से ही फुर्सत नहीं मिलेगी तो मेरी आईडी तो कहाँ से जाएंगे। दूसरे से फुर्सत मिलेगी तो मेरे आईडी पे आएगी। चले फिर, अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक की दुआओं में याद रखे। हाफिज़।